हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राखीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रा स्पेशल साबूदाना और आलू की टिक्की, जिसके लिए हमें चाहिए होगा साबूदाना। मैंने साबूदाना सोख करके 3-4 घंटे इसे रख दिया है, ये फूल चुका है। 250 ग्राम मैंने साबूदाना लिया है यहाँ पे, और 250 ग्राम में मैंने अपना ये आलू लिए हैं, बॉईल करके छील कर रख लिए हैं ऐसे। और इसके लिए हमें चाहिए होगा व्रत का नमक, सेंधा नमक 1.5 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू मैश करेंगे हम। आलू मैं फोक से मैश करूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सारे आलू मैश करती चली जाऊंगी और साबूदाना में मिक्स कर दूंगी। आलू मैश हो चुके हैं और अब हम साबूदाने में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, कद्दूकस की हुई नमक, और इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिला लूंगी। और अब इसमें मैं आलू मैश किए हुए डाल दूंगी इस तरीके से, और इसका एक डो बना लेंगे इसे मिक्स करके। एक तरफ हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे फ्राई करने के लिए, और दूसरी तरफ डो हमारा बनके तैयार हो चुका है। और हम छोटा छोटी सी टिक्कियां बना लेंगे इसकी। हल्का हल्का सा मैंने पानी से हाथ गीला किया है और इस पे टिक्की रखकर मैं गोल आकार की इसे बना लूंगी। छोटी छोटी टिक्कियां हम बना लेंगे और तेल गरम होते इसे मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी तेल में। इस तरीके से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। और अब तेल गरम हो गया है, अब हम एक एक करके इसमें टिक्की डालेंगे। अब दूसरी डालूंगी मैं थोड़ा सा दूर, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। हमारी टिक्कियां सिक चुकी हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। और जब भी हम साबूदाने की टिक्की तेल में डालें तो उसे धीमी आंच पे डालें और बाद में उसे तेज करें, और एक साथ सारी टिक्कियां नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी। ये मेरी सासू माँ की टिप है। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म साबूदाने की टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। नवरात्रों में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।